हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जहां अब तक हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था विलेज लेवल पर, जहां पर आपको बताया था विलेज लेवल पर टोटल पोस्ट कितनी होती है। 4 पोस्ट होती है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, टीबीए, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट और आपका लास्ट बताया था वीएचजी, विलेज हेल्थ गाइड। उन चारों की बात की थी हम लोगों ने। उसके बाद हमने बात की थी सब सेंटर के बारे में, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर होता है, कितने, सब कुछ हमने बात की थी। नेक्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, पीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हम लोग करने वाले हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हम लोग बात करने वाले हैं। पीएससी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कहते हैं पीएससी। चलिए सबसे पहले अगर बात करें पीएससी के बारे में, तो पीएससी की पॉपुलेशन की बात करते हैं कि एक पीएससी कितनी पॉपुलेशन पर होता है। चलिए पॉपुलेशन की बात करें, अगर प्लेन एरिया में बात करें, कोई समतल एरिया है, नगर गांव बसा हुआ है, जहां पर गांव की बात करें, है ना, प्लेन एरिया, रूरल एरिया की बात करें, प्लेन एरिया की बात करें, तो 30,000 पॉपुलेशन पर, 30,000 लोगों पर जो है वो एक क्या होता है, पीएससी होता है। 30,000 पॉपुलेशन पर जो है वो एक पीएससी होता है। अच्छा अगर हिली एरिया पर बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों पर बात करें, हिली एरिया पर बात करें, या ट्राइब एरिया में बात करें, पिछड़ी बात करें, पिछड़ी ट्राइब एरिया मतलब पिछड़ा जनजाति एरिया में बात करें, तो वहां पर कितना होता है, लगभग 20,000। और अगर आपसे अर्बन दे दे गांव में, आजकल जो अगर हम बात करें शहरों में बात करें, अर्बन में तो लगभग 50,000 तक भी होता है। कितना, लगभग 50,000 पर। मोस्टली आप याद रखिएगा 20,000 से 30,000। तो पहला सवाल यही बनता है कि पीएससी पर पॉपुलेशन कितनी होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो दो तरीके के पीएससी होते हैं, जैसे सब सेंटर दो होते हैं, वैसे पीएससी भी दो होती है। एक अगर पीएससी की बात करें, देखो पीएससी भी टू टाइप्स की पीएससी होती है, टू टाइप्स पीएससी, कौन कौन सी, एक होती है पीएससी ए और एक होती है पीएससी बी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ए और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बी। पीएससी ए क्या होता है, जिस पर मंथ 20 से कम डिलीवरी हो उसको हम लोग पीएससी ए बोलते हैं। मैं क्या बोला हमने, डिलीवरी लेस देन 20 पर मंथ, जिसमें 20 से कम डिलीवरी हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीएससी ए, और जिसमें डिलीवरी मोर देन 20 पर मंथ होती है उसे कहते हैं पीएससी बी। ये सवाल पूछा जा चुका है एक बार, सीएचओ एग्जाम में पूछा गया था कि पीएससी ए में क्या होता है और पीएससी बी में क्या होता है। याद रखिएगा कि पीएससी ए के अंदर डिलीवरी 20 डिलीवरी से कम होती है, जबकि इसमें 20 डिलीवरी से ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट होता है, इट इज द फर्स्ट पॉइंट बिटवीन, इसके बीच में मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिटी के बीच में, भाई डॉक्टर यहीं तो बैठेगा, सब सेंटर पर तो डॉक्टर था ही नहीं, तो इट क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट पॉइंट बिटवीन मेडिकल ऑफिसर, एमओ, एमबीबीएस ऑफिसर होता है ना, मेडिकल ऑफिसर एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर के बीच का पहला पॉइंट कौन सा होता है। याद रखिएगा पहला पॉइंट जो है वो कौन सा होता है, यही होता है मेडिकल ऑफिसर, और इसके बीच का पहला पॉइंट होता है पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि फर्स्ट पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा पीएससी जैसे हमने बात किया था, सब सेंटर जो है वो सेंट्रल लेवल मोड पर चलता है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, तो पीएससी किस गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, पीएससी रन्स अंडर, नेक्स्ट अगला सवाल, पीएससी रन्स अंडर किसके अंडर में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, ये राज्य सरकार के अंडर में चलता है, ना कि स्टेट के अंदर, याद, ना कि सेंट्रल के अंदर, किसके अंदर चलता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और एमएनपी के द्वारा, जैसे मिनिमम नीड प्रोग्राम एक चलाया गया था सेंट्रल के द्वारा, उसके आधार पर चलता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चलता है, अकॉर्डिंग टू एमएनपी प्रोग्राम,
एमएनपी क्या है, मिनिमम नीड प्रोग्राम के अनुसार चलता है, मिनिमम नीड प्रोग्राम उसके जैसे चलता है ये, ठीक है, मिनिमम नीड प्रोग्राम के जैसे की जैसे चलता है ये। अब आगे बात करते हैं कि एक जो पीएससी है उसके अंडर में बात करें हम लोग कितने बेड होते हैं, तो एक पीएससी पर बेड कैपेसिटी कितनी होती है, देखो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, बेड कैपेसिटी इन पीएससी, बेड कैपेसिटी कितना बेड होता है, लगभग 6 से 10 बेड होता है, और मिनिमम अगर बात करें तो 4 तो होगा ही होगा, मिनिमम कितना होगा 4 बेड तो होगा ही होगा, 4 तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए एक पीएससी के अंदर बात करें अगर हम लोग तो इसकी रेंज कितनी होती है, 140 किलोमीटर, लगभग 141 से 40 से 41 किलोमीटर इसकी रेंज कितनी होती है, पीएससी रेंज 140 से 141 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या होती है, रेंज होती है, याद रखिएगा। अच्छा आगे बात करते हैं, एक पीएससी के अंदर लगभग 29 विलेज आते हैं, कितने आते हैं, लगभग 29 विलेज जो है एक पीएससी के अंदर आते हैं, याद रखिएगा एक पीएससी के अंदर कितने विलेज आते हैं, वन पीएससी के अंदर जो है, वन पीएससी अंडर 29 विलेज आते हैं, एक पीएससी के अंडर 29 गांव आते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टाफ पैटर्न के बारे में कि भैया यहां पर स्टाफ पैटर्न कैसा है, देखो दोनों पीएससी की बात करेंगे, स्टाफ पैटर्न स्टाफ पैटर्न की बात करेंगे, देखो टाइप ए और टाइप बी दोनों की बात कर लेते हैं, पीएससी ए और पीएससी बी। अब देखो दो होता है, एक तो असेंशियल स्टाफ और एक डिजायरेबल, भैया इतना तो होना ही चाहिए, और एक डिजायरेबल कि हमारी इच्छा तो इतनी है इतनी हो जाए, एक होता है असेंशियल स्टाफ और एक होता है डिजायरेबल। डिजायरेबल देखो असेंशियल की बात करें अगर टाइप ए के अंदर तो असेंशियल होता है कितना 13 और टाइप बी के अंदर होता है 14, भैया इतना तो जरूरी है ही है कि असेंशियल टाइप ए के अंदर जो है वो 13 स्टाफ तो होनी चाहिए, और पीएससी बी के अंदर कितना 14, और डिजायरेबल की बात करें तो यहां पर 18 कि 18 हमको चाहिए, डिजायरेबल कितने 18 और इसमें कितनी डिजायरेबल 21, याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल पूछ सकता है कि टाइप ए के अंदर कितना जो है स्टाफ चाहिए होता है, असेंशियल कितना है 13 14, डिजायरेबल कितना मतलब उनका मन कितना है 18 और 21 का, लेकिन कितना नहीं है। अगर आपसे कुछ भी नहीं दिया हो, ना टाइप ए ना टाइप बी कुछ भी नहीं दिया, और आपसे पूछे कि स्टाफ नंबर ऑफ स्टाफ इन पीएससी, तो फिर 15 आंसर कर देना, बिल्कुल सटीक आंसर है। हाँ याद रखिएगा ये बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ, अगर कुछ भी नहीं दिया हो ए या बी कुछ भी नहीं दिया हो, इफ एनीथिंग नॉट प्रेजेंट या ए विदाउट ए और बी डायरेक्ट आपसे पूछ ले, तो फिर कितना आंसर करना है 15 आंसर करना है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर आपसे ए भी नहीं दिया हो आपको बी नहीं दिया हो तो फिर आपको क्या करना है वहां पर आपको जो है वो 15 कर देना है 15 कर देना है ए और बी कुछ भी नहीं दिया हो तो, क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं, अब देखो कौन कौन सी सर्विस जो है वो पीएससी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पीएससी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पीएचसी, पीएससी के द्वारा कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो पहली सर्विस होती है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की, यहां पर डेली ओपीडी होता है, डेली ओपीडी होता है, डेली 6 घंटे ओपीडी चलता है, 4 घंटे सुबह 6 और 2 घंटे शाम को चलता है, पहला सर्विस क्या होता है ओपीडी सर्विस, ओपीडी क्या होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट आए उन्होंने दिखाया और चले गए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देखो इसके अंदर क्या होता है डेली 6 आवर का ओपीडी चलता है, डेली 6 आवर्स ओपीडी चलता है यहां पर, और अगर बात करें उसमें से 4 घंटे सुबह और 2 घंटे कब चलता है, 4 घंटे 4 आवर्स मॉर्निंग, 4 आवर्स इन मॉर्निंग, और 2 घंटे कब चलता है 2 घंटे इन इवनिंग,
अगर बात करें यहां पर जो है एमसीएच सर्विस दी जाती है, मतलब मैटरनल और चाइल्ड सर्विस भी दी जाती है। तो दूसरी सर्विस क्या है यहां पर? एमसीएच सर्विस, जिसमें लगभग मतलब मैटरनल और चाइल्ड सर्विस दी जाती है, जिसमें लगभग 28 तरीके के इन्वेस्टिगेशंस यहां पर होते हैं, और ये सवाल पूछा गया है। दूसरा क्या है यहां पर? एमसीएच सर्विस दी जाती है। एमसीएच क्या होता है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। क्या देते हैं इसके अंदर? इसके अंदर देखो, सर्विस रिलेटेड टू मैटरनल एंड चाइल्ड, या मैटरनल, पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिएगा इसका, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। और इसके अंदर कितने इन्वेस्टिगेशंस होते हैं? लगभग 28 तरीके की जांचें जो है पीएससी के अंदर होती है। कितनी? 28 टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, ये सवाल पूछा गया था भाई। 28 टाइप ऑफ, आजकल तो बढ़ा दिए, 29 कर दी शायद ना, लेकिन आपको 28 याद रखिए, 28 टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। क्लियर है बात? अच्छा, उसके अलावा और क्या सर्विस देते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे आंगनवाड़ी होगी, आशा होगी, इनको कभी कभी ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ बुलाते हैं। जैसे आपको बताया था ना, टीबीए, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, उसकी ट्रेनिंग यही होती है ना, पीएससी पे देते हैं कई बार उसको, तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहां पर क्या होती है? ट्रेनिंग भी होती है, और ट्रेनिंग दो होती है, एक रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, यहां पर ट्रेनिंग सेंटर हम दो भाई, जैसे गांव के जो भी कोई ट्रेनिंग होगी वो यही होगी। तो पहला क्या होता है इसके अंदर? रूरल, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर मतलब शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है इसका? RHTC। और अगर बात करें, दूसरा है अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, ये क्या है आपका? UHTC, ये भी यहीं पर होता है। और ओवरऑल इंचार्ज जो होता है पीएससी का, वो कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर, एमबीबीएस जो होता है, मेडिकल ऑफिसर, एमओ जो होता है वो होता है ओवरऑल इंचार्ज। एक और सवाल लास्ट, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ पीएससी, पीएससी का ओवरऑल इंचार्ज कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर, जिसने क्या कर रखा हो? एमबीबीएस कर रखा हो। तो आंसर क्या आएगा? मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर मतलब जिसने क्या किया हो? एमबीबीएस स्टूडेंट, एमबीबीएस जिसने कर रखा हो, एमबीबीएस डिग्री जिसने ले रखी हो। ये सारी कहानी होती किसके बारे में? पीएससी के बारे में। खत्म पीएससी के बारे में। देखो क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले आपको याद रखिएगा कितनी जनसंख्या पर होता है, याद रखिएगा प्लेन एरिया में कितनी है और हिली एरिया में कितनी है। नेक्स्ट, ये कितनी टाइप की होती है। अगला बताया आपको पीएससी फर्स्ट जो पॉइंट होता है इन दोनों के बीच में कौन सा है, वो यही है। नेक्स्ट बात की हमने किसके बारे में कि भैया स्टाफ पैटर्न क्या है इसका, और सर्विस कौन कौन सी जो है यहाँ पर दी जाती है। याद रखिएगा स्टाफ पैटर्न से सवाल आता है, याद रखिएगा 15, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो 15 याद रखिएगा, 15 है ना। सर्विस याद रखिएगा, ओपीडी सर्विस होती है 6 घंटे। और हाँ, अगर याद रखिए यहां पर, क्योंकि एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक डॉक्टर होता है यहां पर, अगर यहां पर अगर बात करें हम लोग कि उसको 40 से ज्यादा डेली अगर पेशेंट आ रहे हैं, तो वो फिर एक एक्स्ट्रा डिमांड, एक एक्स्ट्रा मेडिकल ऑफिसर की डिमांड आगे कर सकता है कि भैया यहां पर पेशेंट ज्यादा है, आप हमें जो है एक मेडिकल ऑफिसर और भेजिए यहां पर। तो लेकिन कब? जब अगर 40 से ज्यादा जो है पेशेंट आ रहे हैं तब। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फर्स्ट रेफरल यूनिट बोलते हैं इसको। सबसे पहले जो रेफरल होगा वो यही होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। हेडिंग डालिएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसको बोलते हैं CHC। फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होती है, इमरजेंसी सर्विस होती है इसके अंदर। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है भैया रेफर करके सबसे पहले कहाँ आएगा? वो यही आएगा। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं हम? CHC को भी बोलते हैं। अगर CHC ऑप्शन में नहीं है,
अगर मान लीजिए सीएससी ऑप्शन में नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बोलते हैं ना। याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट यही पूछा, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, फर्स्ट रेफरल FRU, सब फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है, वो यही है सीएससी। और अगर सीएससी ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, याद रखिएगा मैं बता रहा हूं आप लोगों को ना। चलिए कितनी पॉपुलेशन पर होता है वो बात कर लेते हैं, कितनी पॉपुलेशन पर होता है, देखो वही बात बताई, प्लेन में होता है अगर हिली या ट्राइब एरिया की बात करूं तो लगभग 80,000, और सेम अगर वही बात करें हम लोग किसमें प्लेन एरिया में बात करें तो लगभग 1,20,000। तो देखो दो बात बता देते हैं, हिली मतलब पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है तो वहां पर कितना है, वहां पर होगा लगभग 80,000, और अगर जो है वो प्लेन एरिया में है तो कितना होता है 1,20,000, 1,20,000 जनसंख्या पर एक सीएससी होता है। तो रेंज कितनी होती है, अगर आपसे कोई रेंज पूछ ले कि सीएससी की रेंज बताओ तो रेंज याद रखना कितनी है, 80,000 से कितना 1,20,000 जो है उस रेंज पर जो है क्या होता है, उस रेंज पर एक सीएससी एस्टैब्लिश होता है। ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल जो है सीएचओ में पूछा गया था कि रेंज बताइए किसकी, सीएससी की रेंज बताओ कि सीएससी की रेंज कितनी होती है। ठीक है चलिए, अब 1,20,000 लोग रह रहे हैं तो वो कितने बड़े एरिया में रह रहे होंगे, तो इसका एरिया अगर आपसे पूछ ले, इसकी रेंज पूछ ले, तो याद रखिएगा रेंज कितनी है इसकी, अगर आपसे इसकी कोई रेंज पूछ ले तो ये 770 किलोमीटर, कितना 770 किलोमीटर की रेंज में ये जो है वो फैला रहता है। और इसके अंदर बात करें, इसके अंदर जो लगभग बात करें गांव की, तो 158 विलेज होते हैं एक सीएससी के अंडर में, अंडर वन सीएससी 158 गांव होते हैं, 180 विलेज 158 गांव जो है वो इसके अंडर में होते हैं। नेक्स्ट बात करिए किसके द्वारा चलाया जाता है, तो रन्स बाय वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम, बाय रन्स बाय, रन बाय रन अंडर, रन्स अंडर किसके द्वारा चलाया जाता है, तो वही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको चलाया जाता है। वही किसके अकॉर्डिंग, एमएनपी प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, एमएनपी के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहां पर, एक सीएससी के अंदर जो है वो 4 PSC आते हैं, एक सीएससी के अंदर कितने पीएससी आते हैं, 4 PSC आते हैं। और याद रखिएगा एक और लाइन बता रहा हूं यहां पर, एक पीएससी के अंदर 6 SC आते हैं, एक पीएससी के अंदर कितने आते हैं, 6 सब सेंटर आते हैं। ये स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये सवाल आता है कभी कभी कि एक पीएससी के अंदर कितने आते हैं, एक पीएससी के अंदर कितने जो है स्टार, कितने गांव, कितने विलेज, सब कुछ मैंने आपको बताया है भैया। अगर बात करें हम लोग मिनिमम बेड की बात करें यहां पर, तो लगभग 30 से 35 बेड कैपेसिटी होती है यहां पर, बेड कैपेसिटी कितनी है 30, 32, 35 बेड जो है वो यहां पर होते ही होते हैं, मतलब क्योंकि यहां पर भैया बड़ा काम है, डिलीवरी भी है, हर तरीके की सर्विस दे रहे हैं हम लोग यहां पर। अच्छा स्टाफ पैटर्न की बात करें तो कितना है यहां पर, देखो स्टाफ पैटर्न की बात करें अगर यहां पर, टोटल जो स्टाफ होता है अगर असेंशियल स्टाफ बोले तो 46 और अगर डिजायरेबल बोले तो 52। अगर आपसे पूछे कि भैया असेंशियल स्टाफ कितना चाहिए सीएससी के लिए, तो असेंशियल स्टाफ कितना 46 और डिजायरेबल स्टाफ बोले तो कितना 52 यहां पर स्टाफ होते हैं। जिनमें अगर आपको याद रखिए, क्योंकि नर्सिंग की ज्यादा बात करें तो अगर नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करें तो यहां पर कितने नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, टोटल 21 नर्सिंग ऑफिसर यहां पर होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले नर्सिंग स्टाफ कितना है यहां पर, नर्सिंग स्टाफ जो है वो कितना है, 18 से 21 होते हैं, 18 to 21 होते हैं, 18 से 21 जो है नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन 21 याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 21 के ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है चलिए अब आगे बात करें, अगर यहां पर हम लोग इसके बारे में टोटल कितने अब तक सीएससी ओपन हो चुके हैं, तो टोटल सीएससी देखो अब तक टोटल सीएससी इन इंडिया में अगर बात करें तो 5,000 लगभग समथिंग जो है वो सीएससी ओपन हो चुके हैं, कितने
5375 जो है अब तक सीएससी खुल चुके हैं, और इन राजस्थान की बात करें तो 571 इन राजस्थान, तो कितना 571 जो है वो अब तक सीएससी ओपन हो चुके हैं, इतने सीएससी अब तक खुल चुके हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बात करते हैं, किट की बात करते हैं भैया, किट इसकी बात करेंगे नेक्स्ट, किट की भैया, सीएससी की किट की बात करो। देखो आपको पता होगा, किट बताता हूं, आपको याद होगा हमने सब सेंटर पे किट बताया था एबीसी और मिडवाइफरी, और डी किट होता है केवल एक किट पाया जाता है प्राइमरी में, है ना। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर, पीएससी के पास होता है केवल और केवल कौन सा किट, पीएससी के पास होता है केवल डी किट, एक किट जिसमें क्या होता है, जिसमें डिलीवरी रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, बस एक ही किट होता है, याद रखना पीएससी के पास में क्या होते हैं, डिलीवरी रिलेटेड इक्विपमेंट्स, डिलीवरी रिलेटेड सामान है सब कुछ यहां पाया जाता है डी किट में। अब उसके बाद में जो अगर बात करें सीएससी में, सीएससी की बात करें तो सीएससी के पास लगभग अगर बात करें तो 12 किट होती है, कितनी किट होती है 12 किट, सीएससी के पास कितनी किट होती है 12 किट, और 12 किट में क्या क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के ऐसे करके किट होती है, कहां तक है जे के एल एम एन ओ पी, पी तक किट पाई जाती है यहां पर, कितना होता है किट पूरी होती है, जिनमें से इंपोर्टेंट के नाम मैं आपको बताता हूं कि इंपोर्टेंट जिनमें कुछ कुछ सामान इंपोर्टेंट है उनके बारे में बता रहा हूं। देखो किट कौन कौन सी होती है, नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, किट ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12 किट टोटल होती है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी तक किट होती है। यहां पर सबसे पहले अगर बात करें ई किट के अंदर क्या होता है, तो ई किट के अंदर जो है लेप्रो, जो आपका लेप्रो लेप्रोक्टोमी होता है, उस किट की बात करेंगे यहां पर, अगर बात करें लेप्रोटोमी जो सेट होता है वो होता है ई के अंदर। देखो यहां से सवाल एक बार पूछा गया था बस इसलिए बता रहा हूं, लेप्रोटोमी जो सेट है वो किसके अंदर पाया जाता है, लेप्रोटोमी सेट जो है वो ई के अंदर पाया जाता है। एफ के अंदर बात करें आईयूसीडी इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइसेज हैं आपके वो कहां पाए जाते हैं, अच्छा सॉरी जी के अंदर पाए जाते हैं आईयूसीडी, है ना, हाँ आईयूसीडी जो है वो किट पाई जाती है इसके अंदर। यहां पर अगर बात करें मिनी लैब जो होता है ना आपके स्टरलाइजेशन करते हैं फीमेल्स में, तो मिनी लैब किट जो है वो यहां पाई जाती है। बस ये तीन सवाल आप इंपॉर्टेंट है इनके बारे में याद रखिएगा, और सब में कुछ ना कुछ सामान है, हर किसी में सामान है, हर किसी में एक कोई ना कोई सामान है, पर यहां से इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। जैसे आप और अगर पता करना चाहे, एच में पाया जाता है वासेक्टोमी किट, वासेक्टोमी किट जो है वो कहां पाया जाता है, एच में पाया जाता है। उसके अलावा आई के अंदर पाया जाता है, आई के अंदर होता है यहां पर नॉर्मल डिलीवरी किट, नॉर्मल डिलीवरी किट होता है आई के अंदर, जे के अंदर होता है वैक्यूम सक्शनिंग मशीन, के अंदर होता है यहां पर जो अगला के है उसके अंदर होता है एम्ब्रियोक्टोमी, एम्ब्रियोटोमी किट, एल के अंदर होता है रिलेटेड टू जैसे कट डिलीवरी लगाते हैं ना, सीजेरियन डिलीवरी करके लगाते हैं हम लोग, तो यूटेराइन इवैक्यूएशन सेट, यूटेराइन इवैक्यूएशन सेट, और एम के अंदर होता है, एम जो आपकी है इसके अंदर इक्विपमेंट फॉर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, एम के अंदर होता है यहां पर एम एन न्यूनेटल, और फिर उसके बाद में ब्लड के रिलेटेड होते हैं, ये होगा न्यूनेटल सेल, यहां ब्लड ग्रुप के रिलेटेड, ब्लड ग्रुप्स टेस्ट करने के लिए, और ये लास्ट में ब्लड जो हम लोग सेग्रीगेशन आइसोलेशन करते हैं ना कैसे लेना है सैंपलिंग रिलेटेड, वो सब चीजें आती हैं।
इमरजेंसी सर्विस दी जाती है किसमें, इमरजेंसी सर्विस जो है वो मिलते हैं कहाँ पे, सीएससी में। तो अब हेडिंग डालेंगे सर्विस एट सीएससी, सीएससी में क्या क्या सर्विस होती है, सर्विस ऑफ सीएससी, सर्विसेज ऑफ सीएससी। सब काम होगा भैया, देखो डिलीवरी होगी, डिलीवरी होगी यहां पर बिल्कुल होगी, तब वो तो पीएससी में भी थी बिल्कुल थी, यहां भी होगी। यहां पर स्टरलाइजेशन हो सकता है, आईयूसीडी इंसर्शन करवा सकते हैं यहां पर, अबॉर्शन हो सकता है यहां पर, इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल होती है यहां पर, इमरजेंसी सर्विस होती है अवेलेबल। उसके अलावा बात करें यहां पर जो कोई भी नियोनेटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है, कोई भी हेल्थ प्रोग्राम चलेगा वो सब कहां से कंडक्ट होता है, वही यहीं से चलता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। उसके अलावा जो भी अडोलसेंट रिलेटेड जो चीजें हैं या गर्ल्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब यहां होते हैं। और याद रखिएगा जो भी डायग्नोस्टिक सर्विस है वो यहां होती है, चेक कराने के लिए कोई भी चेक कराना है ना, डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती है यहां पर। और अगर लास्ट बात करें कि पांच जो सीएससी होता है उन पर एक जो है वो क्या होता है, आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं जिसे। तो पांच सीएससी पर एक लास्ट लाइन देना, फाइव सीएससी पर क्या होता है, वन आई स्पेशलिस्ट, वो डेली एक एक जाता है। जैसे आज मंडे को सीएससी पे चला गया, ट्यूजडे को सीएससी पे चला गया, ऐसे, क्योंकि आई स्पेशलिस्ट इतना ज्यादा काम होता नहीं है तो एक ही रखता है ना। ये सारे किसके काम है, ये सारे सीएससी और पीएससी के बारे में। कहानी खत्म हुई, यहाँ से सवाल आपसे ज्यादा नहीं आएंगे फिर भी, लेकिन याद रखिएगा सीएससी पीएससी ज्यादा सवाल आते हैं, सब सेंटर और विलेज हेल्थ, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा, इनके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने जो पूरा जो आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ब्लॉक लेवल पर, वो पूरा आपको बता दिया। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। टिल देन आपके लिए यहाँ तक इसी की बात करेंगे। एक सवाल आप लोग जो मुझे बताएंगे, वीएचजी, फर्स्ट वीएचजी जो है वो कब हायर किया गया था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले पार्ट में। बताइएगा जरूर फर्स्ट वीएचजी कब हायर किया गया।